नमस्कार दोस्तों, मैथ्स से रिलेटेड डिस्कशन की एक सीरीज मैंने अपनी लास्ट वीडियो के थ्रू आपके साथ शुरू करी डिस्कशन में, और मैंने एक इनिशियल आपके सामने बैकग्राउंड रखा कि सर मैट किस कॉन्टेक्स्ट में लगता है, किस किस कंपनीज पर लगता है, किस कंपनी के ऊपर नहीं लगता। मैं अपनी उसी चर्चा को इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू आगे बढ़ा रहा हूँ सर, और मैंने आपसे कहा था कि मैं बुक प्रॉफिट के डिस्कशन पर डिटेल डिस्कशन लेकर के आऊँगा। तो पहली बात सर, बुक प्रॉफिट है क्या? इसको डिराइव उसी पीएनएल से करना है जो मैंने आपको पहली वीडियो में बोला, जो आपने एजीएम में रखी, उस वाली पर्टिकुलर प्रॉफिट एंड लॉस यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से आपको इसे डिराइव करना है। अब आपका जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डिराइव्ड है, उसमें नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट में आपको लॉ की लिस्ट है, जिसमें कुछ एडिशंस करने हैं और कुछ डिलीशंस करने हैं, कुछ प्लस करना है, कुछ माइनस करना है। ये बात ध्यान रखिएगा सर, ये जो एडिशंस और डिलीशंस लॉ में दे रखे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये एक एक्सक्लूसिव लिस्ट है। एक्सक्लूसिव लिस्ट मीन्स व्हाट? आपको जैसा कि एक एक्सप्लेनेशन 115JB सबसेक्शन 2 में मेंशन्ड है, एक्सप्लेनेशन 1 है शायद, और उस एक्सप्लेनेशन 1 में जो आपको क्लैरिटी दे दी गई है, ये एडिशन करिए, ये माइनस करिए, आप बस उस तक ही रेस्ट्रिक्टेड रहिए, उसके बियॉन्ड नहीं जाना आपको। यानी वो कह रहा है इस आइटम को प्लस करो कर दो, उस आइटम को माइनस करो कर दो, इसके अलावा कोई प्लस माइनस और नहीं करना। ये सबसे पहला पॉइंट है बुक प्रॉफिट के इंटरप्रिटेशन का। लिस्ट गिवन फॉर बुक प्रॉफिट एडजस्टमेंट इन टू सेक्शन 115JB इज एक्सक्लूसिव। दिस पर्टिकुलर फंडामेंटल पॉइंट विल हेल्प यू। जहां पर भी आप कंफ्यूज होंगे सर, तो मेरी ये स्टेटमेंट आपके काम में आएगा। और ये मैं नहीं कह रहा सर, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि लिस्ट एक्सक्लूसिव है, आपको वैसे चलना है, मैं इसका क्रेडिट नहीं ले सकता। खैर, अब यदि मैं बुक प्रॉफिट के कैलकुलेशन पर आता हूं, तो मैं पहले एडिशन के पॉइंट्स पर चर्चा करता हूं। तो एडिशन के पॉइंट्स में लॉ बोला सर, आपको सबसे पहले इनकम टैक्स पेड पेबल प्रोविजन देयर ऑफ को जोड़ना है। अब इनकम टैक्स पेड पेबल प्रोविजन देयर ऑफ क्या है सर? नंबर ऑफ लाइबिलिटीज रिलेटिंग टू इनकम टैक्स मे बी डेबिटेड इन द पीएनएल, मे बी डेबिटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, विच मे इंक्लूड इनकम टैक्स, विच मे इंक्लूड इन द नेम ऑफ एडवांस टैक्स, इनकम टैक्स विच इज पेबल इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। क्या इंटरेस्ट भी इनकम टैक्स है क्या? पेनल्टी भी लगती है सर, इनकम टैक्स में किसी पर फाइन भी लगा हो सकता है। यहां तक की चर्चा हुई सर, क्या सरचार्ज एजुकेशन सेस SHEG भी इनकम टैक्स का हिस्सा है? क्या डेफर टैक्स लायबिलिटी भी इनकम टैक्स का हिस्सा है? तो सर, इन सब का आंसर अगर सरल रूप में बोलूं तो मैं कह सकता हूं, इनकम टैक्स पेड पेएबल प्रोविजन देयर ऑफ विल इंक्लूड इनकम टैक्स विच में बी इन द फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स, TDS आपसे जो डिडक्ट किया गया हो, ऐसे ही सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो आपने पे किया हो, कोई आयकर के नाम पर आपने प्रावधान बनाया वो भी शामिल है। इसमें निश्चित रूप से सर सरचार्ज एजुकेशन सेस SHEC भी शामिल है। हाँ, यहां तक के कह दिया गया सर, CDT या DDT कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, वो भी सर यहां पर निश्चित रूप से शामिल है। इंटरेस्ट कोई भी जो आपने इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग में दिया वो भी शामिल है। लेकिन फॉर्चुनेटली सर, कोई फीस जो आपने इनकम टैक्स में दी हो, कोई पेनल्टी जो आपने इनकम टैक्स में दी हो, कोई फाइन जो आपने इनकम टैक्स में दिया हो, वो इनकम टैक्स पेड पेएबल प्रोविजन देयर ऑफ की डेफिनेशन में शामिल नहीं किया जाता। अब बात करता हूं सर दूसरे पॉइंट की। वो कहता है सर कि इनकम टैक्स पेड पेएबल प्रोविजन देयर ऑफ के साथ अगर आपने किसी रिजर्व में कोई अमाउंट ट्रांसफर करी है, तो वो भी वापस से एडबैक कर दीजिए। तो जनरली जब हम अबव लाइन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल ले रहे हैं, तो हमारे को ये राशि जोड़ने की जरूरत नहीं है, और अगर हम बिलो लाइन कोई पीएनएल का फिगर पकड़ रहे हैं तो इसको जोड़ना है। तीसरी बात, अगर कोई प्रोविजन आपने पीएनएल में बनाया है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट करना है, लॉ देखिए किस तरीके से इसको डील करता है। लॉ कहता है साहब, प्रोविजन को बाइफरकेट करिए, प्रोविजन फॉर असर्टेन लायबिलिटी एंड प्रोविजन फॉर अनअसर्टेन लायबिलिटी। यदि कोई प्रोविजन फॉर असर्टेन लायबिलिटी है, तो आपको उसको एडबैक करने की जरूरत नहीं है, और यदि अनअसर्टेन लायबिलिटी है, तो आप उसको निश्चित रूप से ऐड करिए। अब ये असर्टेन और अनअसर्टेन क्या है, ये इतना आसान तरीका नहीं है सर कि हम किसी को असर्टेन बोल दें, किसी को अनअसर्टेन बोल दें, ये तो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से डिसाइड होगा। मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल, एक कंपनी किसी सूट में हार गई, किसी विवाद में हार गई, और अब वहां पर कोर्ट ने उसके ऊपर शास्ति लगा दी, पेनल्टी लगा दी कि साहब आपको 5 लाख रुपए देना है, ये लोअर कोर्ट ने लगा दी, कंपनी ने उसके लिए प्रोविजन बना लिया। कंपनी हायर कोर्ट में जा रही है उस केस को लेके, या जा चुकी है कि अभी ये शास्ति हम पे नहीं लगनी चाहिए, लेकिन कंपनी ने सेफर साइड सर प्रोविजन तो बना लिया बुक्स में।
ये प्रोविजन क्या सर्टेन लाइबिलिटी है या अनसर्टेन लाइबिलिटी है? मेरी दृष्टि में सर ये प्रोविजन फॉर असर्टेन लाइबिलिटी माना जाना चाहिए, तो देयर फॉर इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी एडेड बैक इन कंप्यूटेशन ऑफ द बुक प्रॉफिट। एक बड़ा इंपॉर्टेंट मजेदार क्वेश्चन है सर, क्या प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट प्रोविजन फॉर असर्टेन लाइबिलिटी है या अनसर्टेन लाइबिलिटी है? मजेदार बात क्या है सर, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इज अ प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन वैल्यू ऑफ एसेट, इट इज नॉट अ प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी। लेकिन उसके संदर्भ में भी एक क्लॉज आ गया, यदि आपने प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन वैल्यू ऑफ एसेट बनाया है तो उसको भी एडबैक कर दीजिए। तो आपको प्रोविजन यदि किसी इस प्रकार का है जो डिमिनिशन इन वैल्यू ऑफ एसेट है उसको भी आपको जोड़ते हुए चलना है। ये एक बात हुई। अब इसी में मैं कुछ और पॉइंट्स भी ऐड करना चाहता हूँ, लेकिन अगेन मैं अपनी सीरीज को फिर एक हिस्से में तोड़ते हुए अगली सीरीज के थर्ड पार्ट में मैं आपके साथ बुक प्रॉफिट से रिलेटेड एक और डिस्कशन करूंगा। अभी के लिए मैं यही समाप्त करता हूँ। मेरे जो पॉइंट्स थे आज के वो इनकम टैक्स से रिलेटेड, प्रोविजन से रिलेटेड और रिजर्व से रिलेटेड मैंने आपके सामने डिस्कशन रखे। मैं बाकी के पॉइंट और आगे की सीरीज से लेकर के आने की कोशिश